उनकी तरफ तो मैं खेला था जब उनका पंजाब वाला गए थे बारह तेरह टूर्नामेंट में, थे, में। बुध पीछे दिए बोला ना चोरी करके लो करके लिया इतने पीछे जब की तो उस टूर्नामेंट में जब तो हार इतने रुपया की फिर मैं मोटरसाइकिल बैठा गया लड़सो ले गया पिताजी ने माँ पूछ लेता अंजाम बोला तो ਉਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹਮਮ ਅਰ ਖੁਦ ਰੁਪਏ ਹਨ ਜਬ ਜੋਟੀ ਲਿਆ ਦਾ ਮਰਾ ਬੁੰ ਪੀਛੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋਈ ਹਿਆ ਨੈਸ਼ਨ ਕਬੱਡੀ ਆ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਗੈਸਥ ਥੋੜਾ ਯਾਨੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨ ਟੇਕ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਅਰ ਦੋ ਟਾਈਮ ਪਾਤੇ ਦੇ 1 ਕਰੋੜੀ ਸਰਕਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬੜੀਆ ਕੈਪਟਰ ਦਾ ਬਜਿੰਦਰ ਥਾ ਬਡੇਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹਮਮ ਭਾਈ महावीर था थलाने का विजेंद्र गड्डी छात जोगा था विक्रम है बबूगा मोखरिया बिल्लू है फौजी था और भाई जुगड़ था काफी अच्छी कैचर हुआ जो, जो कोहली की टीम बढ़िया हुआ करती पर हमारे तो जीती नहीं और टीम काफी राह लिया हाँ जैसे बताऊँ जहाँ हमने भाई खटखट भी रही

एक जानी मानी हस्ती ब्रह्म सिंह पहलवान आज हमारे साथ और उनके गुरु जी है तो आज पूरी बातचीत करांगे कुछ लोगों की डिमांड थी कि सीनियर पहलवान आगे इंटरव्यू करें उन पर बहुत रात छुपया है सारा निकाल के के डाइट ले कर दे के के मेहनत करे कर दे तो आज सारी पूछेंगे तो सबसे पहले राम 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 भाई मधु संदीप और वीआईपी चैनल हरियाणा और सभी दर्शकों को नमस्कार ब्रह्म प्रकाश की और मेरे गुरु जी बैठे रमेश पहलवान जी राम 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 जी राम राम अच्छा एक बार आप और आपका पूरा परिचय दे भाई रमेश कुमार नाम मेरा ये मेरे बच्चे हैं इनकी मैं मैंने कराई दी डाइट भी इनको दूध दही घी वगैरह और फल वगैरह अच्छा कबड्डी की शुरुआत कब और किसी ने देख के करी थी भाई हमारी टीम शुरू से ही अच्छी रही थी शेखपुरा की बहुत पुराने पहलवान थे हम छोटे छोटे थे उन्हें देखा करते हम भी कैसे बन सके हैं और गुआंडा की अच्छी टीम गार दी हमारी तो आहिस्ता आहिस्ता देख देख कर खेल कर मेहनत करके बस उनको देख कर शुरुआत करी थी छोटे ही कौन से कौन से गांव में टीम कर जी मतलब कौन सी टूर्नामेंट थी जिसकी देख के ललक लग गई कबड्डी खेला ललक तो हमारे गाँव में टूर्नामेंट हुआ सबसे अच्छी तो पहले उसने जब छोटे छोटे देखा जब ललक ला, ला, ला ली थी हमारे थे हाँ कौन से कौन से पहलवान हो गए थे जो आपका सीनियर थे जिस तक आपने देख के सीख मिली भाई मोहम्मन जी साहन बनना चाहवा भाई आरिमदारणबीर पहलवान था सुरंदर पहलवान था राजेश पहलवान था बीजा था सारे सीनियर थे मेरे से तो अच्छा हाँ उनको देख कर फिर वो अपने साथ मेहनत करवाने लगे अच्छा। वो देख कर फिर बन गए खिलाड़ी

वो इतने खुशी हो रहे थे घर के भी मैं भी इतना खुश था जिसकी कोई भी नहीं अच्छा। वहाँ से फिर मैं स्टार्ट हो गया था दसवीं क्लास में पढ़ू था जब पढ़ अच्छा, अच्छा। हाँ वहीं से शुरुआत हो गई थी फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक बन गए अच्छा आपने के कुछ लग गया जी मतलब जो पहलवान में है भाई बनने लायक है भैया अच्छा। मेहनत करते रहे बहुत मेहनती था बच्चा इसलिए माँ भाई तू बने मार जाओ मेरे पास आओ सारे बच्चा की मैं कुश्ती कराता था पहले फिर पुरखाश के साथ मारा मैच हुआ था वहाँ मार गए थे फिर वो पंडित जी आए गए दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर बोला पहलवान मारी टीम अच्छी है ये नहीं आ रहेगी महा भाई ठीक है मैंने जब इसे कबड्डी शुरू करा दी अच्छा। अगले साल का संडी मैच हुए हमारी अमा, टीम फर्स्ट आई और बेस्ट कैचर का भी रेड जगह हमारे यहाँ इन्ह मिले हाँ अच्छा। जब ये कबड्डी शुरू कराई दीन की माँ भाई ठीक फिर यह कबड्डी शुरू होगी भैया फिर ये बहुत अच्छे होगी अच्छा अपना अपना कब शुरुआत करी दीजिए गेम की भाई महाराज हम तो सर मेरे ख्याल में सत्तर में हम खेलने लगे में हाँ, से उस उस टाइम टाइम के के कुछ कुछ करे था जी कर दे भाई उस ता भाई बाल्टी छोटे छोटे होते थे भाई और कुछ नहीं था जी वो मल्लाई वो, के के भाई भाई थी थे थे ये मल्ले देसन ये कटोरी गई ताली मिलगी यही और गड़े मिल गए इनके टाइम भी थोड़ा मारा ग्यारह दरगा इनाम हमने गाँव रखवा में ਅਨਦਰ ਕਿਤਾ 2100 ਕਿਤਾ ਕੁਝ ਬਈ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਥੇ ਭਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਸਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਤਹਾਮੀਆ ਜਿਆਦਾ ਹੋਏ ਕਰਦੇ 11000 ਵੀ 11 ਲੱਖ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਬੇ ਮਾਰੇ ਗਾਮ ਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ 11000 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢਾ ਕਿਤਨੇ ਕੇ ਟੀਮ ਆਈ ਥੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੇ ਕੌਣ ਸੇ ਬੜੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਬੈਸਟ ਕਾ ਕੇ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਪਾਸ ਗਾਉਂ ਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ खास इजरा गुमड़ ललहेड़ी पांचों टीम तगड़ी थी ब्लॉक की हमारे गांव में हाँ। थी। हाँ। जैसे टूर्नामेंट थी ना हाँ। फाइनल मैच मारा और खटखड़ का लगा था बाद बाद एक हाँ। पॉइंट से खटखड़ हमारे हाँ। से जीत गई हाँ। थी हमारे गांव में अमन ने खटखड़िया कहीं इंटरव्यू करा जुगड़ का भी करा कर भी कर लीला का भी करना है मतलब कुछ पहलवान तो नहीं कहवा है कि रेली गैट दे माना लीला पहलवानी कोई लीला का मेरे लो फोन आया भाई ਨੇ ਬਲਾਗ ਜੋ ਖੋਲਿਆ ਮਿੱਡਾ ਗੈਂਟਰਿਊ ਕਰਿਆ ਨੇ ਉਸਮੇ ਇਹ ਬਾਤ ਮੰ ਮੰਨੇ ਥੋੜੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਿਸਕੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਕਿੰਤੀ ਟੋਪ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਬੜੀਆ ਨੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਲੀਲਾ ਜੋ ਗੜ ਦੋੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਚ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਗਾਦੇ ਸਾਹ ਲੱਗਿਆਦਾ ਜੋਕਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਮੈਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰੇ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਰਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਮਾਰੇ ਲੱਗਿਆਦਾ ਕਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੋ अच्छा बोल आपका गांव मतलब नेशनल की 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 हाँ। तो सर्कल में कुछ नहीं मैं में खेल रहा हूं। टीम में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इसलिए मैं बरती हुआ था रेलवे अच्छा हाँ। मतलब हाँ, कबड्डी से मैं भर्ती हुआ हूँ और सर्कल की मारी बहुत अच्छी टीम हुई है हमने पूरा पंजाब भी अकेला न रहा है अकेली टीम ने पूरा हरियाणा करके पूरा पंजाब इकट्ठा करके बिमे फिडे रही है अच्छा पंजाब में भी कभी खेलने का मौका मिला जूकर आज मतलब ये सिलू या बुरी होया पंजाब में नाम रोशन करे हरियाणा का भाई पंजाब में मैं मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा टूर्नामेंट पंजाब में खेला हूं पंजाब के कौन से कौन से चेहरे होए कर दे उसके भाई उस टाइम पे देखो अर्जित ब्राड वारदा सब सेटोप का रेडर उसके हमारे मैच लागे तीन हरियाणा पंजाब के अच्छा वो आ रहा तो है नहीं हमारे पर एक दो पॉइंट से चार दम भी मैच लाग गया अर्दा फिर भीम वारदा पिंडरा वारदा अंग्रेज वारदा ये सारे फौजी कैचर जगतार कैचर ये टॉप के कैचर हो रहे थे उस टाइम पे हाँ ये कुछ पहलवानियों को हम एक मैच में बीस बीस पच्चीस पच्चीस कैच मार देकर देखा दे, 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 दे देखा जी ना भाई ना कैच तो एक दो लाख ग्यारह दिन मैच में दो चार लाख की बस हाँ बस संख्या आपने देखे जी कदे मतलब बीस पच्चीस कैच एक मैच में लाख नहीं भैया नहीं बिल्कुल झूठ है ये इतनी तुम्हारी खाल में की नहीं पहला तो जी 20 5 20 के मैच हो गए देव तो 10 10 रेड करवाने साथ 5 20 के मैच में कंटिन्यू 5 5 मैच एक एक दिन में एकला रेड मार रहा 20 5 20 के मैच में अच्छा कई बार के कुछ मेहनत करे कर दे जो जिम तो उस टाइम ही नहीं कर दी के कुछ मेहनत कर दे डम्मल रेस करते करते फिर डंडा मारार दे रस चटजार दे कुश्ती जोर करते शाम को अपने कबड्डी प्रैक्टिस भी कर लिया मतलब इतने खेल मतलब जो में जिले दे। नहीं। दो तीन घंटे शाम को दो तीन घंटे की हाँ। शुरुआत करी जी खर करी थी थे नहीं पढ़ाई में भाई ठीक से दे करते सकूल लौके नहीं

ठीक है और फिर कान पकड़े पगड़े डंडे मारे हर दे हाँ। और जो ज़्यादा शरारती हो तो प्रार्थना में खड़े करके बेजती करा दे आज कोई मास्टर एक दड़ाक नहीं लगा सकता किसी बच्चे को उसकी रिपोर्ट खिलाफ कर दे हाँ आज बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है पहले हमारी अम्मत हो अच्छा कबड्डी देखते दे, देखते दे, कड़ा पहुँच गई जी जिस टाइम शुरुआत करी थी आप आना और आज तक भाई ये तुम्हारे ये पूरा हरियाणा आ रहा है ये इसके कौन सा था ये

ਫਿਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਜਬ ਜਾਊਗਾ ਜਬ ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ ਖੇਲਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਤੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਖੇਲਣ ਜਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਉਂ ਵੀ ਕੱਟਰ ਦੇ ਯਾਰ ਗਰੀਬੀ ਥੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੋ ਜੋਬ ਕੌਣ ਸਾ ਸਨ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਈ ਥੀ ਜੀ ਆਪਨੇ ਮਨ ਜੋ ਮਿਲੀ ਦੀ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾਨੂ ਮਨ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੁੱਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਈ ਥੀ ਕੜਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖੇ ਥੇ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਈ ਥੀ ਜੁਗ ਸੇ ਨਾਰਥਨ ਰੇਲਵੇ ਮੇਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲੀ ਦੀ क्लास फोर की निकली थी जब एक ही वैकेंसी निकली थी और वहाँ स्टेडियम में ट्रायल हुई थी करनेल सिंह में मारी उसी टाइम पर मैं अकेला भर्ती हुआ था बस हाँ जो नेशनल गया, गया कौन से कौन से प्लेयर थे जी भाई उस। उसमें था डैनिया था बलराज अजीत था रियल इम टिटी लड़का देवंदर दास संजय था कई बालक थे अच्छे-अच्छे थे अच्छे कौन से कुरक्षेत्र तरह के खेले थे एमडीसी रोहतक से अच्छा हाँ। जी मतलब कुरक्षेत्र तरह की सी टक्कर देगा दे कर दी उस टाइम कुरक्षेत्र ठीक टक्कर दी यार दी अच्छा जी हां बल्कि कुरुक्षेत्र में इंटर जोन हुए थे फिर फैजाबाद में हमारी ऑल इंडिया इंटरेस्टी हुई थी वहाँ हम फर्स्ट आए थे यहाँ भी फर्स्ट आए थे हम जोन में भी ये अच्छा हाँ। आपके बच्चे भी है जी कबड्डी में मतलब हाँ। देख के आया आपने देख भाई दे? ये फिर पढ़ाई भी अच्छे थे बच्चे ये स्कूल आपने देखा होगा इसमें डर पढ़ाई भी टॉप थे हाँ। फिर मैंने सोचा सोच भाई चलो बच्चा ने पता मैंने बच्चों से मैं बेटा पढ़ाई में करोगे स्पोर्ट्स में करोगे स्पोर्ट्स में मगा मन ज्ञान है जो खवाना है जो इस तरह है फिर बड्डी बेटी बोली कबड्डी खेलूंगी चलो मैं चलो बेटा कबड्डी खेल तू मैं तू नानी स्पोर्ट्स स्कूल है वहाँ एडमिशन करवागा ये दो तीन महीने जी नहीं ला गया रोया कर दी मोलियो रो बेटा थोड़े दिन रहोगे फिर अच्छे भी रहोगे हाँ फिर छोटी बेटी भी बोली पापा मैं भी कबड्डी खेल लूँगी दोनों बहन उड़ रही फिर वहाँ से एडमिशन करवा दिया मैंने मोर माजरा गुरुकुल में लड़का बोला पापा मैं तो कुश्ती करूंगा वो कुश्ती में पटियाला है हाँ वो भी अच्छा है कुश्ती में अच्छा चल रहा है ਉਸ ਮੇ 12 ਬਾਰਮਾ ਤਰਾਨੋ ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਉਹ ਲਿਆ 16 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆਜ ਕੱਲ ਜੀ ਗੇਮ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਰੀਵ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਪਾਇਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸਪਾਇਰਸ ਚਾਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਕੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇ ਖਿਡਾੜੀਆ ਗਿੱਦਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਬੜੀਆ ਅਬ ਆਜ ਕੱਲ ਸਲ ਰੈਟੀ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜ ਕੱਲ ਰੇਡਰ ਹੈ ਨੂ ਸੋਚੇ ਮੈਚ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂ ਆਏ ਹਨ ਜਉਨ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਦੋ ਤੋ ਰੇਡ ਆ ਬੈਟੇ ਮੇ ਇਤਨੀ ਆਣ ਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਚ ਨੇ ऐसे भी 7.20 की वजन गए वो जीत जा 10 11 पॉइंट हो गए वो जीत जा पहले 20 5 20 के मैच वार दे पूरा दिन 3 दिन टूर्नामेंट चल जा रही कोई दवाई जुड़ी बुट्टी नहीं दी कुछ भी नहीं दा अच्छा हां उस टाइम पे अच्छा पहला मैच भी दिन में होएगा तो जी फिर रात ने हुन लग गई रात ने गलत करें भाई मैच रात ने पब्लिक रुकती नहीं अरे ये टीवी अब दिखाओ इस नॉन लाइन करें ये भी गलत है बैठे-बैठे फोन नाम देख ले लोग मैच बिल्कुल बिल्कुल हैं ये बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए दिन में मैच होने चाहिए बड़ी अत्रिया मैच होने चाहिए पंद्रह पाँच पंद्रह बीस पाँच बीस का मैच होना अच्छा चाहिए अच्छा जिस टाइम मतलब आप फुल तैयारी में रहिए वेट कितना टाइम मेरे में चौरासी पचासी किलो वजन हो आ रहा पांच फुट आठ अच्छा जी हाँ कौन सी बढ़िया स्किल थी आपकी उस टाइम मैं रेडर था दम नहीं मतलब जो राज करे है को ऊपर ऊपरों को जै किसी मतलब पावर को स्पीड त लिया नहीं मैं पावर ते ले रहा कई बार खूब भैंस लाई चार चार कैचरा अब की बार तू छेड़ ले अब की बार तू छेड़ ले अब की बार तू छेड़ ले चार वन फिर कोई स्टॉप नहीं मार दी जैसे मैं प्याया टूर्नामेंट हो स्टेट चैंपियनशिप थी जब हाँ इंडिया पाकिस्तान मैच खेल गए थे मैंने प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी अच्छा। वो बोले आड़ आगे कोच का चर बोले भाई खेलना पड़ा मैं मैंने छोड़ दी प्रैक्टिस बोले ना खेलना पड़ेगा लगातार कितनी कैच लागू हो मैच में ਬਈ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਕੈਚ ਬਈ ਸੰਗਿਆ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੋਨ ਸਟੌਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਦਿਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਕਾਫੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੋਨ ਸਟੌਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਟੱਕਰ ਮੈਂ ਕੋਣ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਬੜੀਆ ਰੇਡਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਚਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਕੈਚਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਕੈਚਰ ਦਾ ਬਜਿੰਦਰ ਥਾ ਬੜੇ ਇਸਰੀ ਦਾ ਬਈ ਮਾਬੀਰ ਥਾ ਥਲਾਣੇ ਦਾ ਬਜਿੰਦਰ ਗੱਡੀ ਛੱਜ ਜੋਗਾ ਦਾ ਬਿਕਰਮ ਹੈ ਬਹੂਗਾ ਮੁਖਰੀਆ ਬਿੱਲੂ ਹੈ ਫੋਜੀ ਥਾ

ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਮਨਵਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਰਗਾ ਖੇਲਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹਾ ਉਸਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰੀਬ ਕਲਾਣੀ ਟੀਮ ਹਾਰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਵਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੇ ਕੜੀਆਂ ਹੀ ਵਿਗ ਜਾ ਕੁੱਕਰ ਕੇ ਜਾਇ ਕਰਦੇ ਬਸ ਮਜਾਏ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸੂਗਲ ਬਜਾਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਸਮੇ ਜਾਰਦੇ ਲਟਕ ਲੱਕੇ ਜਦ ਤਬਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ

अग उन ने बुला दे रेडर जो मेरा नाम ठीक चाल मैं पंजाब की टीम बाबा पंजाब का बहुत बढ़िया रहता है उनकी तरफ तो मैं खेलता था जब उनका पंजाब वाला गए किले टाइम आए थे बारह तेरह हजार रुपये उस, उस टूर्नामेंट में जो घर आने बुध पीछे दिए बोला ना चोरी करके ला रहा है ना रहा है इतने पीछे उस टूर्नामेंट में

ਯੋ ਕੋ ਗੜਾ ਘੜਾ ਦੇ ਦੀ ਆਰ ਦੇਖ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਘੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਘੜੇ ਦੀ ਤਨੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਨ ਪਰੋਸਿਆ ਕਿ ਸੋਕਰ ਦੇ ਟਾਂਗ ਰੱਖੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸਣ ਵੀ ਤਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਭਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਅੰਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਅਬ ਮਾਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਟ ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਮਾਨਾ ਉਹ 10 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾੜੀਏ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਪੈਰੇ ਕੇ ਸੋਏ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪੈਰੇ ਖੇਲੇ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿਟ ਮਿਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾੜੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ ਨਾ ਇਸ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿੱਟ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮਿਲਿਆ ਆਰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਟ ਕਾੜਦੇ ਕਿੱਟ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਮਨੇ ਸਿੱਲੂ ਕੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਿਆ ਦਾ ਜੋ ਕਰ ਕਾਲੇ ਜਵਾਨ ਹੋਰ ਗਮਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਠ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ধੋਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੋਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾ ਕੁਛ ਥਾ ਨਾ 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 ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੁਆਰ ਜੇ ਹਮਦੇ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਬੀ ਕੋ ਮਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਧੋਏ ਕਰ ਦੇਨੇ ਬਲੇ ਆਸ਼ੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 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 ਇਹ ਖਮਖਈਰ ਬਕਵਾਸ ਸਾਫ ਸੋਤਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਖਿਡਿਆੜੀਂ ਦੇ ਅਜਨੈਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇਸ਼ਨਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸਨ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ 1 ਕਰੋੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਆ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਥਾ ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਕ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਅਰ ਦੋ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਯਾਰ ਰਤਨਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਹਿਲੋਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਦੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਵੀ ਗੇ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੇ ਜਾਣਾ ਇਫਦਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਾਮ ਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾ ਪੂਰੀ ਹਮਮ ਸੁਬਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੋ ਰਾਤ ਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਫਿੰਦਾ ਥੀਦੇ ਸ ਚਰਸ਼ਮ ਜਿਬਰੂ ਫਿੰਵਾਰ ਦੀ ਦੌਰ ਥੱਕ ਗਏ ਭਾਈ ਗਣੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚ ਖੇਡ ਲਏ ਥੱਕ ਗਏ ਤੋਂ ਰੂਫ ਨੂੰ ਚਰ ਸਮਝੀ ਲੈ ਲਿਆਰ ਦੇ ਹਮ ਹਮ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਰਦਾ ਕੋ ਹੋ ਥਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਗੀ ਬਸ ਬੈ ਮਾਰਦਾ ਕੰਮ ਖਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਜਾਬ ਮਿਲੀ ਜੀ ਕੋ ਗੇਮ ਤੇ ਹੋਨੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕਾਈ 45 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੋਬ ਕੋ ਫਰਕੜਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿਹਨਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾ ਦਾ ਬਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹਮ ਬਾਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜ ਦੇਖੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੇ भर्ती कर लीजिए दे से, से थे जगदीश का था बहुत कई बहुत बढ़िया थे भैया अच्छा जी आज कल के पहलवाना की बात करा स्पोर्ट्स में कोई भी जॉब नहीं रही सर्कल कबड्डी में तो जमा भी नहीं रही इसका बारे में क्या कहोगे भाई क्या करे गवर्नमेंट ने करना चाहिए भैया

हाँ इतनी है उस वो बोल के इससे भी लंबा था सिल्लू से भी इससे भी ज्यादा जान थी अब यू तोड़े है बड़कन सही मेहनत करे थोड़ा अच्छा जी जो करे सिल्लू और के दस दस साल के कॉन्टैक्ट हो रहे विदेशों में कई देश के हो रहे उस टाइम विदेश का खेलने का मौका मिले कदे दे आपने हाँ मिल भाई कौन सा देश में भाई जैसे इंग्लैंड में गया था मैं अरे फिर कनाडा जाना था वो मंत्री एक्सपायर हो गया था वहाँ से और अपना आड़े खेल रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਹਿ ਖੇਲਣ ਮੈਂ ਰੋੜਾ ਫਿਰ ਖੇਲਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਤਾਓ ਕੁਛ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਤਾਓ ਬਾਈ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਡਿਆ ਉਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸੈਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸੈਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਉਸੇ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾੜੇ ਚੂੜਿਆ ਹੈਗੇ ਦੁਬੜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਹਾਂ ਬੜੀਆ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸ ਮੇ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਹੈ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਗਣਾ ਹੈ ਬੈਨਾ ਅੰਦਰ ਤੁਨ ਮੈਂ ਆ ਬੜਿਆ ਗਰਾਂ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੋਟੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਡੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਓ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਦੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਾਂਗ ਖਿੰਚਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਮ ਉੜੇ ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਬੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗੇਲ ਮੈਚ ਥਾ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਰੇਡ ਮਾਰੂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਔਰ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਕੈਚਰ ਵਾਰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਬੜਿਆ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਥਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਨਾ ਕਰਮ ਪਾਲੇ ਪੇ ਉਸਕੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਨਾ ਜੈਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾ ਉਹ ਅੜ ਪੜ ਗਿਆ ਦਾ हमारे अच्छा गांव में टूर्नामेंट कर दे दिया था अच्छा जो आपका गाँव में टूर्नामेंट थी पांच सात दिन बाद वो खेले या नहीं ना मैं खेला नहीं मेरा फ्रैक्चर हो गया था पैर में हमारी अच्छा टीम में फर्स्ट आई थी फिर भी और वो जखोली टीम सेकेंड आई थी हाँ ठीक है जी धन्यवाद तो ना गया अपने विचार जाने जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं भाई इंटरव्यू की शाल आ गया वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद